कालाढूंगी नगर पंचायत के वार्ड 4 सभासद के उपचुनाव में पूर्व सभासद निर्दलीय प्रत्याशी नसीम जहां ने 336 वोट हासिल कर 180 मतों से जीत दर्ज की, जबकि उनकी टक्कर पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी नगमा को 156 वोट मिले। बता दें कि कालाढूंगी वार्ड नंबर 4 सभासद के लिए 12 जून को उपचुनाव हुए थे, जहाँ तहसील सभागार में निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली की देखरेख में मतों की गिनती के बाद नसीम जहां विजयी बनी। जीत की खबर सुनकर नसीम जहां के समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। वहीं निर्वाचन अधिकारी रेखा कोहली ने बताया कि 577 में से कुल 503 मतों की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी नसीम जहां को 336 और कांग्रेस प्रत्याशी नगमा को 156 वोट मिले। वहीं नोटा को 6 और 5 मत रद्द हुए। बता दें मतगणना के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। जितने भी काम आएंगे मेरे वार्ड में जो भी कमियां हैं मैं सब पूरा करने की कोशिश करूंगी, जितना भी मुझसे हो सकेगा। और क्या 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 सर, मैंने काम किया है, पैप लाइनें बिछवाई हैं, सड़कें तो पुलिये तो वो तो आम है, वो तो बिछती हैं। मैंने बारीक काम बहुत किए हैं, कम से कम 75-70 लोगों की मैंने पेंशन लगाई है, विधवा भी, 60 साल भी, और जहाँ हमारा मीट कटता है हाथा भी बनवाया हमने, मजार पे भी काम करवाया, बहुत काम किए हैं हमने सर वार्ड में। आपको सब इस बात का खुद ही देखते हैं सर, आप उसी की वजह से जनता ने मेरा अपनी साथ दिया है। 2-3 बार मैं निकल गई हूँ काम की वजह से ही। मेरे वार्ड में कोई खड़ा भी नहीं होता है सर, दूसरे वार्ड के आ जाते हैं। मेरे वार्ड के लोग तो इतने अच्छे हैं कि खड़े नहीं होते, कोई भी काम अच्छा करती है ये महिला। सदस्य का वार्ड सदस्य का चुनाव था जिसमें हमारे टोटल जो हमारे मत थे वो 577 थे, जिसमें हमारे जो विधिमान्य मत थे 492 पड़े हैं, जिसमें हमारे नगमा एक कैंडिडेट थी कांग्रेस की जिसको 156 और नसीम जहां निर्दलीय थी उसको 336 मत प्राप्त हुए हैं। इसमें हमारी जो नोटा को 6 मिले और जो रिजेक्टेड हुए हैं वो 5 हैं, तो टोटल हमारे 503 मत पड़े हैं।